हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। एक्सरसाइज 3.3 के हम क्वेश्चन 1 to 21 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो पहले आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, फिर अब बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। देखिए ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरह का आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। दोनों को करने का मेथड एक ही है। कॉट आ जाए या टेन आए तो आपको किस तरह से करना है, देखो ध्यान से। कॉट एक्स कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स इक्वल टू वन, कैसे करेंगे? 3x को ब्रेक करो, कैसे? x प्लस 2x, ऐसा ही आपका एग्जाम्पल 14 है, उसको भी ऐसे करेंगे। यहाँ पर कॉट लाना है तो हम कॉट लेंगे बोथ साइड, और उसमें आपको 10 लेकर आना है तो 10 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, cot 3x इक्वल टू cot x प्लस 2x, डिस्ट्रीब्यूट मत करना cot को दोनों के साथ, ठीक है। अब लगेगा फॉर्मूला cot x प्लस y, क्या फॉर्मूला होता है याद है आपको? फॉर्मूला क्या होता है? यस, cot x प्लस y का फॉर्मूला, 10 का याद करो, उसका रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा? cot x cot y राइट माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, ठीक है। फॉर्मूला कैसे याद करते हैं? 10x प्लस y का कहा था मैंने, याद कर लो। 10x प्लस y का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था, cot का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? पहले तो उसको रिवर्स कर देंगे। क्या सही लिखा मैंने फॉर्मूला? नहीं लिखा, कहाँ मिस्टेक कर दी? यस, यहाँ प्लस नहीं माइनस आता है, 1 माइनस 10x 10y, ठीक है। तो ध्यान से फॉर्मूला करना। अब cot में क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, और लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट में कन्वर्ट भी होगा। जैसे ये रिवर्स हो गया तो 10 को cot से भी रिप्लेस करेंगे, तो cot x cot y माइनस 1, ओके, और 10 cot y प्लस cot x, 10 का फॉर्मूला याद करो, cot का प्रयोग बन जाएगा, ठीक। लगाते हैं फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला, cot 3x इक्वल टू cot x cot 2x राइट cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x, ओके, आया समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट cot 3x cot 2x, फिर cot x से करेंगे cot 3x into cot x equal to, it is cot x cot 2x minus 1 राइट। अब देखो हमें लाना क्या है, cot x cot 2x माइनस 2x 3x माइनस 3x x, ठीक है, और इक्वल टू प्लस 1 लाना है, तो इस माइनस 1 को उधर शिफ्ट कर दो और दोनों को उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। देखो 1 को तो उधर शिफ्ट कर रहे हैं और बाकी इन दोनों को उधर शिफ्ट करेंगे, तो आ गया cot x cot 2x, शिफ्ट करेंगे तो साइड चेंज हो जाएगा। अब मैं इसी ऑर्डर में लिख रही हूँ, ठीक, cot 2x cot 3x माइनस राइट cot 3x cot x, और यही हमें प्रूफ करना था, आया समझ में? ठीक, तो आपको इसी तरह से एग्जांपल 14 भी करना है, उसमें भी आप इसी तरह करेंगे 3x इक्वल टू x प्लस 2x। अब वहाँ पर आपको 10 लाना है, तो टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड, और इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखिए 23 10 4x, कैसे ब्रेक करें 4x को? यस, हमें सब जगह 10x लाना है, ठीक। फॉर्मूला आपको पता है क्या? 10
2x equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. ठीक है, अब जो 4x है तो यहाँ क्या आएगा 2x. tan 4x equal to 2 tan 4x upon 1 minus tan square 2x. ठीक है, जितना एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा. तो देखो ध्यान से, इट इज 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x. ध्यान से लिखना. ओके, अब सिंस मुझे 2x नहीं, मुझे तो x ही लाना है, तो फिर से tan 2x को लिख देते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x. ओके, देखो लगाते हैं tan 2x का फॉर्मूला. सो 2 इंटू tan 2x इज 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स. ये तो अभी न्यूमरेटर आया है. ठीक, 1 माइनस टेन टू एक्स का फॉर्मूला 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और अभी इसका स्क्वायर भी करना है. ओके, आया समझ में? ठीक, अब देखो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई कर रही हूँ. इट इज 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स. ठीक है, फोर अपॉन 1 माइनस, पहले स्क्वायरिंग कर लो, 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो ये तो हो गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट. ये इक्वल साइन हमेशा सेंटर में आना चाहिए. अब यहाँ लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स. ओके, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, राइट. अब आगे समझो, अगर a अपॉन b अपॉन में c अपॉन d हो तो d ऊपर जाता है, इट बिकम्स ए डी अपॉन बी सी. ठीक है, और आप दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि आप दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में कट कर सकते हैं, b और d कट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पर है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर. तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ कट कर दूँ एक पावर को. ठीक है, ये ऊपर जाएगा, तो इट बिकम्स 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स. ओके, अपॉन एलसीएम तो ले लिया है हमने, अब इसको ओपन करते हैं. तो इट इज a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan स्क्वायर एक्स, और माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है. तो आप देखो कुछ कुछ आंसर आ रहा है, माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स. देखो ठीक है, बाकी सारी टर्म्स भी सेम आ गई. अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, क्या आएगा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, राइट, अपॉन दैट इज 1 प्लस tan 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, और थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है. ठीक है, माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x है, ऑर्डर चेंज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. tan 6 tan स्क्वायर x का साइन नेगेटिव होना चाहिए और tan 4x का साइन पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज आवर RHS. ओके, आया समझ में? तो किस तरह से आपको करना है, आपको बस सिंप्लीफाई करते जाना है और ध्यान से एलसीएम वगैरह लेना है ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. नेक्स्ट देखो, 24 cos 4x, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, उसको हमें sin x cos x में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले cos 4x, अब मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मैंने आपको बताया था cos 2x के चार फॉर्मूले हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ. cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1,
और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये कैसे समझ में आएगा, 1 माइनस लाना है तो 1 माइनस इसमें आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, आई बात समझ में, तो लगाते हैं इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना जो एंगल है उसका हाफ मीन्स 2x, 4x का हाफ 2x। अब ये तो साइन 2x आ गया, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x 2 साइन x cos x, राइट, लगाओ फॉर्मूला 1 माइनस 2 एज इट इज, साइन 2x का फॉर्मूला होगा 2 साइन x cos x और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हो गया सॉल्व, बस कुछ भी नहीं, सिंपलीफाई करो 2 एट इट इज 2 जो 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और देखो कितना इजीली आंसर आ गया साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड इट इज अवर RHS। आया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन। लास्ट 25, अब देखो 25 समझो, यस क्या है cos 6x। अब क्या समझो, यहाँ क्या समझ में आया कि माइनस 1 लाना है, माइनस 1 कहाँ आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये 6x है, इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हम लिखते हैं cos 3 इंटू 2x, ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x। अब समझना ये है कि कौन से मेथड से ये इजी होगा, ये कौन से मेथड से इजी होगा, यहाँ पर तो हमें cos 3x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर 2x दो जगह आएगा, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, समझना बेटा कि किस तरह से हम कैलकुलेशन को इजी करेंगे, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos cube x minus 3 cos x। अब समझो cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2x आएगा, दो जगह 2x आएगा, यहाँ पर भी इधर भी, और दोनों जगह फिर हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं cos 2 into 3x करती हूँ तो cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे और सिंस माइनस 1 है तो 2 cos square x minus 1 फॉर्मूला लगाएंगे और सिर्फ एक जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कौन सा इजी है, राइट cos 2 इंटू 3x। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, तो हम इसको कर रहे हैं cos 2 इंटू 3x से, इट इज cos 2 इंटू 3x और सिंस माइनस 1 है तो फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x, x के प्लेस पर क्या लिखोगे 3x, राइट माइनस 1। आगे देखो, अब लगाते हैं cos 3x का फॉर्मूला, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos cube x माइनस 3 cos x, 4 cos cube x माइनस 3 cos x और अभी होल स्क्वायर है, राइट माइनस 1, 2 ब्रैकेट स्क्वायर कर दो, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4 4 जा 16 और क्यूब का स्क्वायर 6x प्लस b स्क्वायर 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और cos 3x इंटू cos x cos पावर 4x माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट यस, 2 आगे मल्टीप्लाई हो रहा था, a माइनस b होल स्क्वायर के आगे 2 रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, देखो 16 2 जा इट इज 32, 32 cos पावर 6x, यस इट इज 6x। अच्छा, अब आगे देखा तो पावर 4 है पहले, तो पहले पावर 4 वाली टर्म लिख देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 को, तो 48 cos 4x, ठीक 2 9 जा 18 प्लस 18 cos स्क्वायर x और यहाँ मत मल्टीप्लाई करना, ये ब्रैकेट के बाहर है। आ गया देखो आंसर, हो गया सिंप्लीफाई। तो आपको अब लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है टिकनो, ठीक
थोड़ा सा फॉर्मूले ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।